नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आपका ये है, व्हाट विल बी द रिजल्टिंग एवेल ट्री, व्हाट विल बी द रिजल्टिंग एवेल ट्री फॉर द फॉलोइंग नोड इफ वी इंसर्ट, इफ वी इंसर्ट 10, 6, 11, 12, 1, 7, 0, 2 एंड 3 इन दैट ऑर्डर। अगर आप इस ऑर्डर में उसको इंसर्ट कर रहे हैं तो आपका एवेल ट्री किस तरीके से होगा। अब हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि एवेल ट्री आपका एक हाइट बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री होता है, हाइट बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री होता है। इसका मतलब आप इसमें जो एवेल ट्री में जो इंसर्जन करेंगे वो एज ए बाइनरी सर्च ट्री की तरीके से ही करेंगे, यानी इंसर्जन जो होगा वो बाइनरी सर्च ट्री की तरीके से ही होगा। उसी तरीके से डिलीशन भी आपका बाइनरी सर्च ट्री की तरीके से ही होगा। अनबैलेंस होने पर वहाँ पर हम रोटेशन करेंगे, ठीक है ना। देखिए इंसर्जन बी एच ट्री की तरीके से होगा, अगर आपको इंसर्जन करना है तो बाइनरी सर्च ट्री की तरीके से होगा, आपको डिलीशन करना है तो वो भी बाइनरी सर्च ट्री की तरीके से होगा। और इंसर्जन और डिलीशन करने से अगर उसकी हाइट अनबैलेंस हो जाती है तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम हम आइडेंटिफाई करेंगे, प्रॉब्लम या तो एल एल होगी या आर आर होगी या एल आर होगी या आर एल होगी, और उसको रोटेशन करके हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको इंसर्ट करना है तो इंसर्ट हम करेंगे एज ए बाइनरी सर्च ट्री की ही तरीके से। तो ये 10 आपको रूट में होगा तो 10 के लेफ्ट में आ जाएगा 6, 10 के राइट में आ जाएगा आपका 11, फिर आपका 12 है तो 12 आपका यहाँ पर आ जाएगा, फिर आपका 1 है तो 1 आपका यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी तक आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, अभी तक इनके जो बैलेंस फैक्टर है वो लिमिट में है, ठीक है ना। जैसे कि चेक कर सकते हैं, इसका 0, इसका है 1, इसका है 0, इसका है -1 और इसका है 0, तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 आपको इंसर्ट करना होगा तो 7 कहाँ पर आप इंसर्ट करेंगे, 7 आप यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। अभी भी देखिए बैलेंस फैक्टर जो है वो लिमिट में ही है, आपको 0 इंसर्ट करना है तो 0 इंसर्ट करने के लिए आप यहाँ पर इसको इंसर्ट करेंगे। अभी भी देखिए बैलेंस में ही है, बैलेंस किस तरीके से है, देखिए इसका बैलेंस फैक्टर क्या है आपका -1, इसका बैलेंस फैक्टर क्या है आपका -1 और इसका बैलेंस फैक्टर क्या है 1 2 3 1 2 2 -1, इसका भी बैलेंस फैक्टर आपका -1 है, इसका भी -1 है, इसका भी -1 है, इसका 1 है, इसका 0 है, इसका 0 है, इसका 0, यानी अभी भी यहाँ पर आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुई है। अब मान लीजिए आपको 2 इंसर्ट करना है तो आप यहाँ पर 2 इंसर्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं अभी भी आपका यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी यहाँ पर बैलेंस फैक्टर जो है वो रेंज में ही है। अब जैसे ही आप यहाँ पर इस 3 को इंसर्ट करेंगे तो 3 को आप इंसर्ट करेंगे तो कहाँ पर इंसर्ट होगा, 3 आपका यहाँ पर इंसर्ट होगा। अब आपका यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, क्योंकि देखिए इसका बैलेंस फैक्टर 0 है, इसका 0 है, इसका 0 है, इसका 0 है, इसका 1 है, इसका क्या होगा, इसका भी आपका बैलेंस फैक्टर 1 होगा, इसका क्या होगा, इसका बैलेंस फैक्टर आपका 1 होगा, इसका बैलेंस फैक्टर क्या होगा, तो देखिए 1 और इसका हो जाएगा 1 2 3, यानी -2, इसका बैलेंस फैक्टर हो गया -2। इसी तरीके से इसका बैलेंस फैक्टर क्या होगा, इसका बैलेंस फैक्टर हो जाएगा 1 2 1 2 3 4, यानी इसका भी आपका हो जाएगा -2। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी आपका एवेल ट्री नहीं होगा क्योंकि ये अनबैलेंस हो चुका है। अब अनबैलेंस हो चुका है तो प्रॉब्लम आप कैसे यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, यानी प्रॉब्लम आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ है। प्रॉब्लम आपका देखिए इस वाले पाथ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। प्रॉब्लम जो स्टार्ट हुआ है वो आपका इस वाले पाथ से हुआ है, क्योंकि देखिए ये आपका अनबैलेंस हो गया है, ये वाला नोड आपका अनबैलेंस हो गया है, इसकी बैलेंस फैक्टर क्या हो गया आपका -2 हो गया है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर अलाउड नहीं है। अब इस वाले नोड की हाइट आपने कैसे कैलकुलेट की थी, राइट के लिए तो आपने ये लिया था और लेफ्ट के लिए आपने ये लिया था, यानी आपका प्रॉब्लम इस पाथ में है, प्रॉब्लम आपका इस पाथ में है क्योंकि आपने आपने जो हाइट लिया है वो इस वाले पाथ के लोग लिया है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपके देखिए यहाँ पर है, इस पाथ की वजह से आपका प्रॉब्लम आ रही है। ये किस टाइप की प्रॉब्लम है, ये आपकी एक एल आर प्रॉब्लम है, ये जो है आपकी एक एल आर प्रॉब्लम है और इस पाथ की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आपने जब 3 को यहाँ पर इंसर्ट नहीं किया था तो तब यहाँ पर आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे ही आप यहाँ पर 3 इंसर्ट कर दे रहे हैं तो ये हाइट इंक्रीज हो जाने की वजह से आपको ये एल आर प्रॉब्लम यहाँ पर मिल जा रही है। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि हमने ये वाला क्यों नहीं लिया, ये वाला क्यों नहीं लिया, तो देखिए पहले जहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है हम पहले उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपने जैसे यहाँ पर इंसर्ट किया तो देखिए आपका जो प्रॉब्लम है वो फर्स्ट यहीं पर ही आपको मिल गया, तो पहले आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, बाद वाली को बाद में चेक करेंगे। तो क्योंकि देखिए आप यहाँ से जब स्टार्ट करेंगे तो इस वाले नोड पर आपको फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम मिलेगी, जैसे ही आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये वो पहला नोड है जहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम मिली है। इसका पाथ देखेंगे तो इसका पाथ मिलेगा आपको एल आर,
इसके बाद मिलेगा आपको एल आर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं क्योंकि ये आपका एवियल ट्री नहीं है। तो एल आर को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, लेफ्ट रोटेशन करना होगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं, 10, 11, 12, और आपको एल आर करना है। एल आर के लिए आपको क्या करना होगा, लेफ्ट रोटेशन लेना होगा। यहाँ पर लेफ्ट रोटेशन आपको यहाँ पर लेना होगा। तो लेफ्ट रोटेशन लेंगे तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 जो है ऊपर आ जाएगा और 1 जो है ये नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये है आपका 1, ये है आपका 2। आपने क्या किया, इसको लेफ्ट रोटेशन कर दिया, इसका लेफ्ट रोटेशन कर दिया। तो लेफ्ट रोटेशन करते ही 2 आपका ऊपर आ जाएगा, 1 आपका नीचे आ जाएगा। तो देखिए इसका हमने लेफ्ट रोटेशन कर दिया, एल आर प्रॉब्लम है। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, पहले लेफ्ट रोटेशन करेंगे फिर राइट रोटेशन करेंगे। तो हम लेफ्ट रोटेशन कर रहे हैं, तो लेफ्ट रोटेशन करते ही 2 आपका ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। तो देखिए 2 आपको ऊपर आ गया, 1 नीचे आ गया। 1 के लेफ्ट में था 0, तो 0 आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। और 2 के राइट में क्या था, 3, तो 2 के राइट में आ जाएगा आपका 3। अब देखिए ये जो प्रॉब्लम जो थी आपकी वो कन्वर्ट हो चुकी है एल एल में। ये जो प्रॉब्लम थी ये आपका कन्वर्ट हो चुकी है एल आर से एल एल में। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक राइट रोटेशन लगा करके। देखिए एक राइट रोटेशन लगा करके हम इसको एल एल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखिए ये आपका 10 हो गया, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया, ये 12 हो गया। अब देखिए इसमें आप एल एल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, एक राइट रोटेशन लगा करके। तो जैसे ही आप इसमें राइट रोटेशन लगाएंगे तो 2 यहाँ पर आ जाएगा और ये जो 6 जो है ये इसके नीचे आ जाएगा। तो देखिए 6 यहाँ पर आ गया, 2 ऊपर आ गया और ये 1 आपका यहीं पर ही रहेगा, ठीक है ना। अब ये 3 आपका कहाँ पर होगा, अब देखिए 6 नीचे आया है, 6 आपका नीचे आया है, तो 3 6 के साथ अटैच हो जाएगा। तो देखिए 6 के साथ आपका यहाँ पर 3 अटैच आप कर देंगे। तो ये रोटेशन करने के बाद आपका कुछ इस टाइप से सिचुएशन यहाँ पर बनेगी। और 7 कहाँ पर है, 7 है 6 के राइट में, तो यहाँ पर आपका 7 आ जाएगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका बैलेंस फैक्टर विद इन रेंज है। जैसे कि देखिए 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, यानी बैलेंस फैक्टर आपका यहाँ पर क्या है, -1 है। इसका देखिए बैलेंस फैक्टर क्या है, 1, 2, 1, 2, 0, ठीक है ना। इसका बैलेंस फैक्टर है आपका -1, इसका 0, इसका 0, इसका 0, इसका 0 और इसका 0। तो आप जैसे कि देख सकते हैं रोटेशन के बाद आपका यहाँ पर हाइट बैलेंस हो चुकी है। तो आपका ये अब एक एवियल ट्री हो जाएगा। तो अगर आप ये इंसर्ट करेंगे, इन नंबर्स को इस ऑर्डर में इंसर्ट करेंगे, तो आपका जो एवियल ट्री मिलेगा वो आपको ये मिल जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसमें आपको 2 यहाँ पर रोटेशन आपको लगाने होंगे क्योंकि प्रॉब्लम आपकी एल आर होगी यहाँ पर। यहाँ पर एक चीज़ और आपने नोट की होगी कि ये जो इंसर्जन हमने किया है ये ठीक उसी तरीके से किया है जैसा कि आपका एक बाइनरी सर्च ट्री में होता है। अब यहाँ पर हम डिलीशन की इंसर्जन आपने देखा, इंसर्जन किस तरीके से करेंगे, जैसे बाइनरी सर्च ट्री में करते हैं। अब देखते हैं डिलीशन कैसे करेंगे। तो डिलीशन भी ठीक उसी तरीके से होगा जैसा कि बाइनरी सर्च ट्री में होता था। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको 2 को डिलीट करना है तो 2 को डिलीट करने पर क्या होता था, 2 को डिलीट करने पर देखिए इसके दोनों चिल्ड्रन हैं, इसके दोनों चिल्ड्रन हैं, तो 2 को डिलीट करने पर या तो राइट सबट्री का स्मॉलेस्ट एलिमेंट आएगा, राइट सबट्री का स्मॉलेस्ट एलिमेंट आएगा, या लेफ्ट सबट्री का लार्जेस्ट एलिमेंट आएगा। इसका मतलब अगर आप यहाँ से 2 को डिलीट कर देंगे तो या तो यहाँ पर आप 1 को ला सकते हैं या फिर आप यहाँ पर 3 को ला सकते हैं क्योंकि ये आपका एक बाइनरी सर्च ट्री है। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर अगर 10 को डिलीट करते हैं तो 10 को डिलीट करने पर या तो आप यहाँ पर 11 को ला सकते हैं, 11 को ला सकते हैं, राइट सबट्री का स्मॉलेस्ट एलिमेंट, राइट सबट्री का स्मॉलेस्ट एलिमेंट को ला सकते हैं, या फिर लेफ्ट सबट्री का, लेफ्ट सबट्री का लार्जेस्ट एलिमेंट, लेफ्ट सबट्री का लार्जेस्ट एलिमेंट को यहाँ पर ला सकते हैं। तो अगर 10 को आप डिलीट करेंगे तो या तो आप 7 को ला सकते हैं यहाँ पर, या फिर आप 11 को यहाँ पर ला सकते हैं, या फिर हमने आपको बताया था एन ऑर्डर प्रीडेसेसर या एन ऑर्डर सक्सेसर। तो 10 का आप इसका एन ऑर्डर ट्रिवर्सल अगर आप लिखेंगे तो ये बी एस ट्री होने की वजह से ये आपको एक सॉर्टेड सीक्वेंस मिलेगा। तो 10 का सक्सेसर क्या होगा, 10 का सक्सेसर होगा यानी 10 के बाद आएगा 11, तो 10 का सक्सेसर होगा 11 और 10 का प्रीडेसेसर होगा आपका 7। तो 10 को डिलीट करने पर या तो आप 10 का प्रीडेसेसर 7 ले सकते हैं या फिर 10 का सक्सेसर 11 को से रिप्लेस कर सकते हैं। ये हम बाइनरी सर्च ट्री में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है ना।
अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पर मान लीजिए इस 12 नोड को डिलीट कर देते हैं। अगर मान लीजिए हमने इस 12 नोड को डिलीट कर दिया है तो क्या सिचुएशन यहाँ पर बनेगी? अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर आप इस 12 नोड को डिलीट कर देंगे तो इसका बैलेंस फैक्टर लिमिट में नहीं रहेगा। जैसे कि देखिए, इसका जीरो है, इसका जीरो है, इसका जीरो है, इसका भी जीरो है, इसका भी जीरो है, इसका माइनस वन हो जाएगा, इसका देखिए टू टू, इसका जीरो हो जाएगा, इसका वन, इसका वन टू थ्री, या इस तरीके से भी ले सकते हैं, वन टू थ्री, तो इसका हो जाएगा वन माइनस थ्री विच इज इक्वल टू माइनस टू। अब जैसे कि इस नोड का बैलेंस फैक्टर चूँकि आपका माइनस टू हो गया है, इसलिए ये आपका बाइनरी सर्च ट्री तो होगा लेकिन ए वी एल ट्री नहीं होगा। अब यहाँ पर हम प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से अराइज हुई है। अब देखिए, इसका हाइट या तो आप इस तरीके से ले सकते हैं, तीन, इसकी हाइट क्या है, लेफ्ट की हाइट है थ्री, राइट की हाइट है वन, वन माइनस थ्री करने पर आपको मिला था माइनस टू, ठीक है ना। तो या तो थ्री हाइट आप ऐसे ले सकते हैं या फिर थ्री हाइट आप ऐसे भी ले सकते हैं। इसका मतलब या तो प्रॉब्लम वाली पाथ आप ये भी ले सकते हैं या फिर प्रॉब्लम वाली पाथ आप ये भी ले सकते हैं, दोनों ही आपके यहाँ पर सही है। तो अगर आप ये वाला पाथ को ले रहे हैं प्रॉब्लम के लिए तो आपकी प्रॉब्लम हो गई एल एल, और अगर आप ये वाला पाथ ले रहे हैं तब प्रॉब्लम आपकी हो जाएगी एल आर, ठीक है ना। क्योंकि ये जो हाइट हम लिए हैं यहाँ पर लेफ्ट सबट्री के, जो हम हाइट लिए हैं थ्री, वो या तो इस वाले पाथ के एलोंग भी ले सकते हैं या फिर आप इस वाले पाथ के एलोंग भी ले सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर दोनों टाइप की प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, एल एल भी है और एल आर भी है। तो दोनों एग्जिस्ट करता है यहाँ पर, एल एल भी है और एल आर भी है। तो आप पहले किसको सॉल्व करेंगे, एल एल को या एल आर को? देखिए, किसी भी एक को सॉल्व करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर दो टाइप की प्रॉब्लम आपको दिख रही है, एल एल भी है, एल आर भी है। आप किसी को भी सॉल्व कर दीजिए, एल एल को सॉल्व कर देंगे तब भी आपका काम चल जाएगा, एल आर को सॉल्व कर देंगे तब भी आपको काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोनों प्रॉब्लम है, एल एल भी है और एल आर भी है। तो आप किसको प्रीफर करेंगे? हम एल एल को प्रीफर करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि एल एल में हमें एक रोटेशन करना होगा जबकि एल आर में हमें दो रोटेशन करने होंगे। अब चूँकि एल एल में आपका एक ही रोटेशन से काम चल जाएगा, इसलिए हम एल एल को प्रायोरिटी देंगे, हम एल आर को यहाँ पर नहीं करेंगे। क्योंकि एल आर अगर हमने सॉल्व करने से ले गए तो एल आर को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर दो रोटेशन लग जाएंगे। तो हमें कम रोटेशन में अगर काम चलाना है तो फिर हमें एल एल प्रॉब्लम को हम यहाँ पर प्रायोरिटी देंगे। तो मान लीजिए हम एल एल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, किस तरीके से सॉल्व करेंगे? केवल आपको इसको राइट रोटेट करना है। राइट रोटेट करने से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसको राइट रोटेट करेंगे तो टू आपका रूट हो जाएगा, इसके लेफ्ट में क्या आ जाएगा, टेन आ जाएगा, सॉरी इसके राइट में क्या आ जाएगा, टेन आ जाएगा, और टेन के राइट में है इलेवन, टू के लेफ्ट में क्या है वन, और वन के लेफ्ट में है जीरो। अब देखिए, आपने इसको राइट रोटेट किया है, आपने इसको राइट रोटेट किया है, टेन नीचे आ जाएगा तो सिक्स जो है वो टेन से अटैच हो जाएगा। तो देखिए, सिक्स आपका इससे अटैच हो गया। अब सिक्स के लेफ्ट में थ्री है, सिक्स के राइट में सेवन है, तो आपका सिचुएशन कुछ इस टाइप से बनेगा। अब आप चेक कर सकते हैं इन सभी का बैलेंस फैक्टर लिमिट में है। जैसे कि इसका जीरो, इसका जीरो, इसका जीरो, इसका जीरो, इसका भी जीरो, इसका माइनस वन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका भी देखिए माइनस वन हो जाएगा, राइट माइनस लेफ्ट, इसका क्या हो जाएगा, इसका देखिए वन टू थ्री, वन टू, यानी इसका वन हो गया। अब इनका बैलेंस फैक्टर लिमिट में है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ये आपका हाइट बैलेंस हो चुका है, अब ये आपका एवेल ट्री बन चुका है। तो हमने यहाँ पर केवल एक राइट रोटेट करके इसको हाइट बैलेंस कर लिया है। ये मान लीजिए आपका एक एवेल ट्री है, ये मान लीजिए आपका एक एवेल ट्री है। अगर मान लीजिए आप इस 47 को डिलीट कर देते हैं तो आपका रिजल्टिंग एवेल ट्री क्या होगा? कंसिडर द फॉलोइंग एवेल ट्री आफ्टर डिलीटिंग 47 फ्रॉम द एबव ट्री, शो द व्हाट विल बी द रिजल्टिंग एवेल ट्री। 47 को डिलीट करने के बाद आपका रिजल्टिंग एवेल ट्री क्या होगा? तो देखिए, अगर आपने अभी देखिए, अभी बैलेंस फैक्टर लिमिट में है, अभी आपका बैलेंस फैक्टर जो होगा वो लिमिट में है, लेकिन अगर आप इस 47 को डिलीट कर देते हैं तो अब ये बैलेंस फैक्टर जो है ये लिमिट में नहीं रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, जीरो 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 जीरो, इसका हो जाएगा आपका वन, इसका हो गया जीरो, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वन, और इसका वन टू थ्री, यानी इसका हो गया माइनस टू। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, बैलेंस फैक्टर आपका माइनस टू हो गया है, ये बैलेंस नहीं है। पाथ कौन सा होगा? तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लेफ्ट वाला पाथ हम इस तरीके से लिए हैं, लेफ्ट वाले की हाइट हम इस पाथ से कैलकुलेट किए हैं, लेफ्ट वाले की हाइट जो है हम इस पाथ से कैलकुलेट किए हैं, यानी आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो इस तरीके यहाँ से आएगी। अभी प्रॉब्लम क्या है,
LR यानी प्रॉब्लम है आपका LR प्रॉब्लम। LR प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले लेफ्ट रोटेट करना होगा। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर लेफ्ट रोटेशन कर रहे हैं, तो लेफ्ट रोटेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए इसको लेफ्ट रोटेट कर रहे हैं तो देखिए 40 ये इसके राइट में हो गया 55। जैसे ही आप इसको लेफ्ट रोटेट करेंगे, देखिए ये लेफ्ट रोटेट करेंगे ठीक है ना, इसको हम लेफ्ट रोटेट करेंगे तो 31 ऊपर आ जाएगा और 24 इसके लेफ्ट में आ जाएगा। तो देखिए लेफ्ट रोटेट कर रहे हैं तो 31 ऊपर आ जाएगा, 24 नीचे आ जाएगा। अब 24 के लेफ्ट में है 11, 24 का राइट में है, अब देखिए 31 के राइट में था 35, तो 31 के राइट में है 35, 27 कहाँ पर जाएगा, तो 24 चूंकि नीचे आ गया है तो 27 24 से अटैच हो जाएगा, तो 27 आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब आपकी प्रॉब्लम बन गया ये LL बन गया, फिर एक राइट रोटेशन लगाएंगे और प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लेंगे। तो राइट रोटेशन करते ही रूट 31 हो जाएगा, 40 इसके लेफ्ट में आ जाएगा, 40 इसके राइट में आ जाएगा, 55 इसके राइट में आ जाएगा, 31 के लेफ्ट में है 24, 24 के लेफ्ट एंड राइट में है 11, 27, 37। देखिए 40 नीचे आ गया है तो 35 40 से अटैच हो जाएगा, 40 नीचे आ गया है तो 35 आपका इस अटैच हो जाएगा। अभी आपका ईवल ट्री इस तरीके से आपका हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आपका ये हो जाएगा। मान लीजिए आपको ईवल ट्री बनाना है और इंसर्ट कर रहे हैं आप बी सी जी ई एफ डी एंड ए को, तो किस तरीके से आपका ईवल ट्री आप बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहले आपने बी को लिया, बी के बाद में सी यहाँ आ जाएगा, जी आपका यहाँ पर आ जाएगा। कौन सी प्रॉब्लम आ गई, आर आर प्रॉब्लम आ गया। लेफ्ट रोटेशन कीजिए, लेफ्ट रोटेशन करते ही सी बी जी इस टाइप से हो जाएगा, आर आर प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो चुकी है। अब इंसर्ट करना है आपको ई को, ई को इंसर्ट करना है, ई कहाँ पर आएगा आपका, तो देखिए ई जो है वो आपका आएगा यहाँ पर, ई जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा, ई आप इंसर्ट कर चुके हैं, ई आपका यहाँ पर आ गया। कौन सी प्रॉब्लम होगी, आर एल, आर एल प्रॉब्लम होगी। देखिए बैलेंस फैक्टर देखिए जीरो जीरो वन माइनस वन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफ को इंसर्ट कीजिए, एफ को इंसर्ट करेंगे एफ कहाँ पर आएगा, तो एफ आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए प्रॉब्लम हो चुकी है क्योंकि जीरो वन इसका देखिए जीरो और टू यानी माइनस टू, प्रॉब्लम यहाँ पर आपका आ चुकी है। कौन सी प्रॉब्लम है, LR, LR प्रॉब्लम है आपका, LR प्रॉब्लम है आपका। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट रोटेशन लगाइए, तो ये लेफ्ट रोटेशन हम यहाँ पर लगा रहे हैं, तो लेफ्ट रोटेशन लगाएंगे तो क्या होगा यहाँ पर, तो देखिए सी बी जी, लेफ्ट रोटेशन लगाएंगे एफ ऊपर आ जाएगा और ई नीचे आ जाएगा, तो ये लेफ्ट रोटेशन हमने लगा दिया। अब क्या करेंगे, अब आपको राइट रोटेशन करना होगा, तो राइट रोटेशन करेंगे तो क्या सिचुएशन बनेगा, सी बी राइट रोटेशन करेंगे एफ ऊपर आ जाएगा और ये इस तरीके से अरेंज हो जाएगा। तो ये दो रोटेशन लगा करके आपका जो फाइनल ट्री होगा वो इस तरीके से आपको मिल जाएगा। अब D को इंसर्ट कीजिए, तो D को इंसर्ट करेंगे तो D कहाँ पर आएगा, D आपका यहाँ पर आएगा। अगेन फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, ये देखिए 1 2 3 1 3 माइनस 1 2, बैलेंस वेक्टर फिर से 2 हो गया इसका। अब प्रॉब्लम कहाँ से आई है, देखिए इसका बैलेंस वेक्टर निकालिए 1 2 यानी इसकी इसका इसका हो जाएगा माइनस 1, इसका बैलेंस वेक्टर माइनस 1, यानी प्रॉब्लम किस पाथ से है, प्रॉब्लम आपका ये वाले पाथ से है, ये वाले पाथ पे प्रॉब्लम है। कौन सी प्रॉब्लम है, ये है आपका आर एल प्रॉब्लम, आर एल प्रॉब्लम है। किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, आर एल प्रॉब्लम है किस तरीके से सॉल्व करेंगे, पहले हम राइट रोटेशन करेंगे फिर लेफ्ट रोटेशन करेंगे। तो देखिए राइट रोटेशन कर रहे हैं हम, राइट रोटेशन कर रहे हैं, तो राइट रोटेशन करेंगे तो राइट रोटेशन करेंगे तो ई ऊपर आ जाएगा और F नीचे आ जाएगा। तो देखिए E ऊपर आ गया है, E ऊपर आ जाएगा और F नीचे आ जाएगा, और F के राइट में क्या है, G
और ई के लेफ्ट में क्या है आपका डी। तो ये प्रॉब्लम आपका आरआर में कन्वर्ट हो गया, ये प्रॉब्लम आपका आरआर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे, लेफ्ट रोटेशन कर देंगे तो आपका ये आरआर प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो अब आपका देखिए ई रूट हो जाएगा, इसके लेफ्ट में सी आ जाएगा, सी के लेफ्ट में बी है, ई के राइट में एफ है, इसके राइट में जी है, डी, अब देखिए सी चूंकि नीचे आ गया है तो डी इस सी से अटैच हो जाएगा, तो डी आपका यहाँ पर आ जाएगा। नहीं, सिचुएशन आपका कुछ ये बन जाएगा। मान लीजिए आपको ए को इंसर्ट करना है तो ए कहाँ पर आएगा, ए आपका यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए बैलेंस हाइट जीरो, बैलेंस फैक्टर जीरो, बैलेंस फैक्टर जीरो, बैलेंस फैक्टर जीरो, बैलेंस फैक्टर वन, इसका देखिए इसका बैलेंस फैक्टर माइनस वन, इसका बैलेंस फैक्टर आपका वन माइनस वन, सॉरी इसका बैलेंस फैक्टर वन टू, वन टू थ्री, यानी माइनस वन आपका बैलेंस फैक्टर रेंज में है। यानी ये ट्री क्या है आपका, एवेल ट्री है। यानी इन कीज को इंसर्ट करने पर आपको जो एवेल ट्री मिलेगा वो ये मिलेगा। तो ये आपका फाइनल आंसर। अब यहाँ पर एक चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि मिनिमम नोड लेते हुए मैक्सिमम हाइट आप कितना अचीव कर सकते हैं एक एवियल ट्री में। मिनिमम हाइट लेते हुए मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम नोड लेते हुए आप मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव कर सकते हैं एवियल ट्री में। जैसे कि अगर आप वन नोड लें, यानी आप नोड किस कैसे लेने, कम से कम नोड का यूज़ करते हुए, कम से कम नोड का यूज़ करते हुए आपको मैक्सिमम हाइट अचीव करनी है। यानी मिनिमम नोड लेते हुए मैक्सिमम हाइट को आपको अचीव करना है। या इसको आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि हाइट के लिए, एच हाइट के लिए आपको मिनिमम नोड का यूज़ करना है। जैसे कि मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपको हाइट चाहिए एच, और उसके लिए आप मिनिमम नोड्स का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। एवियल ट्री की हाइट आपको एच चाहिए और उसके लिए आप मिनिमम नोड्स का यूज़ करेंगे। जैसे कि मान लीजिए एच इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो हाइट के लिए एवियल ट्री में मिनिमम कितना नोड होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जीरो हाइट के लिए एवियल ट्री में जो मिनिमम नोड होगा, मान लीजिए मिनिमम नंबर ऑफ नोड फॉर हाइट फॉर एच, फॉर एवियल ट्री हाइट एच इज इक्वल टू, इसको हम मान लीजिए इस तरीके से नोटेशन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मिनिमम नंबर ऑफ नोड, एम एन का मतलब मिनिमम नंबर ऑफ नोड फॉर हाइट एच, एच हाइट के लिए मान लीजिए मिनिमम नंबर ऑफ नोड आपके कितने हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कितने नोड लग रहे हैं आपके, वन नोड लग रहा है। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि एम एन वन इज इक्वल टू वन, मिनिमम नंबर ऑफ नोड फॉर हाइट वन इज इक्वल टू वन, ठीक है ना। ये किसके हाइट है आपका, एवियल ट्री की हाइट है। तो एच हाइट के एवियल ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको मिनिमम नंबर ऑफ नोड कितने लगेंगे ये हम यहाँ पर कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो हाइट जीरो, जीरो हाइट के एवियल ट्री को क्रिएट करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ नोड जो है आपको वो वन लग रहा है, एक नोड आपको लगेगा। अब चेक करते हैं कि वन हाइट का एवियल ट्री क्रिएट करने के लिए आपको कितने मिनिमम नंबर ऑफ नोड की ज़रूरत होगी। तो आपको हाइट क्या है, वन चाहिए। तो देखिए हाइट वन के लिए आपको दो नोड की ज़रूरत होगी, या फिर आप इस तरीके से भी ले सकते हैं। तो अगर आपको वन हाइट का एवियल ट्री क्रिएट करना है तो उसके लिए मिनिमम नंबर ऑफ नोड आपके टू हो जाएंगे, मिनिमम नंबर ऑफ नोड फॉर हाइट टू इज इक्वल टू टू। यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, हाइट लिख रहे हैं, तो मिनिमम नंबर ऑफ नोड फॉर हाइट टू एवियल ट्री इज इक्वल टू टू। अब देखिए ये दो हाइट का एवियल ट्री तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, तो तीन नोड लेकर भी आप वन हाइट का एवियल ट्री बना सकते हैं, लेकिन हमें तीन नहीं लेना है, हमें मिनिमम लेना है। तो मिनिमम दो से भी आपका काम चल जाएगा। अगर आप इसमें से एक को हटा देंगे तब उसकी हाइट जीरो हो जाएगी, यानी दो से कम नहीं ले सकते हैं, दो से कम आप नहीं ले सकते हैं। मिनिमम दो नोड तो लेने ही होंगे अगर आपको वन हाइट का एवियल ट्री क्रिएट करना है। उसी तरीके से अगर हम आपसे कहें कि अगर आपको दो हाइट का एवियल ट्री क्रिएट करना है तो आपको कितने मिनिमम नंबर ऑफ नोड यहाँ पर लेने होंगे दो हाइट के एवियल ट्री को क्रिएट करने के लिए। तो देखिए आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं
आपकी हाइट क्या हो चुकी है, हाइट हो चुकी है 2, लेकिन चूंकि इसका बैलेंस फैक्टर जो है आपका गड़बड़ हो जा रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पर एक और नोड लगा देते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपको कितने नोड की ज़रूरत पड़ी, तो आप ऐसा बोल सकते हैं मिनिमम नंबर ऑफ नोड टू क्रिएट टू हाइट एबल ट्री इज इक्वल टू 4। आपको 4 नोड की यहाँ पर ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है ना। मिनिमम नंबर ऑफ नोड टू क्रिएट टू हाइट एबल ट्री इज इक्वल टू 4। आपको 4 यहाँ पर नोड की ज़रूरत होगी अगर आपको टू हाइट का एबल ट्री को क्रिएट करना है, ठीक है ना। अगर आप 4 नोड से कम नोड लेंगे तो फिर आप 2 हाइट का एबल ट्री नहीं बना सकते हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज़ एक पैटर्न और नोट कर सकते हैं, जैसे कि देखिए ये क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका ये वाला पैटर्न मैच हो गया और ये आपका क्या है, ये इससे मैच हो गया। इसका मतलब आपने क्या किया, यहाँ पर केवल एक एक्स्ट्रा नोड लगाया है, एक एक्स्ट्रा नोड लगाया है। इस वाले पार्ट को उठा लीजिए और इस वाले पार्ट को उठा लीजिए तो आपको ये मिल जाएगा। यानी ये आपने कैसे क्रिएट किया है, इसकी और इसकी हेल्प से क्रिएट किया है। देखिए ये हम आगे लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए हम हाइट 3 की बात करें, तो हाइट 3 का आपको बनाना है तो आपको क्या करना होगा, एक तो आप ये वाला स्ट्रक्चर ले लीजिए। तो ये देखिए हमने ये वाला स्ट्रक्चर ले लिया, क्योंकि इसको क्यों लिया, क्योंकि ये मिनिमम है। इसको क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये मिनिमम है। इसको क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये मिनिमम है। तो मिनिमम नोड को हमें लेना है तो हम वही स्ट्रक्चर को उठाएंगे जो पहले से मिनिमम हो। तो 2 हाइट का मिनिमम ये है, ये देखिए ये 2 हाइट का मिनिमम ये है हमारे पास, ये 2 हाइट का मिनिमम स्ट्रक्चर ये है और 1 हाइट का मिनिमम स्ट्रक्चर हमारे पास ये है। तो देखिए 1 हाइट का मिनिमम स्ट्रक्चर हमारे पास ये है, तो एक नोड लगा करके अगर हम इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो हमें 3 हाइट का मिनिमम मिल जाएगा, 3 हाइट का मिनिमम स्ट्रक्चर मिल जाएगा, जिसमें से कि 2 हाइट का मिनिमम ये था और 1 हाइट का मिनिमम हमारा ये था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपका बैलेंस फैक्टर क्या है, यहाँ पर भी आपका बैलेंस फैक्टर जो है वो विद इन रेंज है, लेकिन आपके नोड कितने लगे यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं मिनिमम नंबर ऑफ नोड टू क्रिएट 3 हाइट एबल ट्री इज इक्वल टू 7। 7 क्यों लगे, क्योंकि 4 तो यहाँ पर लगेंगे, 2 यहाँ पर लगेंगे और एक एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको एक हाइट से इसको इंक्रीज करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो है ये आपका हो जाएगा, ये देखिए ये वाला स्ट्रक्चर किसका स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर इसका मिनिमम वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर जो है इसका मिनिमम का स्ट्रक्चर है, और एक नोड आपने एक्स्ट्रा लगा दिया क्योंकि आपको हाइट से एक इंक्रीज इसको करना था। तो आप ऐसा बोल सकते हैं टू कंस्ट्रक्ट एबल ट्री ऑफ हाइट 3 मिनिमम नंबर ऑफ नोड रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 7। अब इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप यहाँ पर एक रिकरेंस रिलेशन भी लिख सकते हैं। रिकरेंस रिलेशन कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं मिनिमम नंबर ऑफ नोड रिक्वायर्ड, मिनिमम नंबर ऑफ नोड रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट एबल ट्री ऑफ हाइट एच इज इक्वल टू मिनिमम नंबर ऑफ नोड रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट ए हाइट एबल ट्री ऑफ हाइट एच माइनस 1 प्लस मिनिमम नंबर ऑफ नोड रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट एबल ट्री ऑफ हाइट एच माइनस 2 प्लस 1। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका क्या है, ये जो ये किसको बिलोंग कर रहा है, ये आपका बिलोंग कर रहा है इस वाले पार्ट को। ये क्या है आपका, ये है आपका MN2, और ये किसको बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है आपका MN1 को, ये आपका MN1 हो जाएगा। और ये पूरा किसको बिलोंग कर रहा है, पूरा बिलोंग कर रहा है आपका MN3 को। तो जैसे कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं MN3 इज इक्वल टू MN2 प्लस MN1 प्लस 1। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं H की वैल्यू आप 3 ले लीजिए तो ये 2 हो जाएगा, और H की वैल्यू अगर आप 3 लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये आपका प्लस 1 आ गया है इस वाले नोड की वजह से। जहाँ पर कि MN1 की वैल्यू क्या होगी, तो MN1 की वैल्यू है 1। यानी अगर आपको 1 हाइट का, यानी सॉरी यहाँ पर आप क्या लेंगे 0, अगर आपको 0 हाइट का एबल ट्री क्रिएट करना है तो मिनिमम नंबर ऑफ नोड आपको 1 रिक्वायर्ड होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ 1 नोड आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा अगर आपको 0 हाइट का, 0 हाइट का नोड, 0 हाइट का एबल ट्री क्रिएट करना है, 0 हाइट का एबल ट्री क्रिएट करना है तो मिनिमम नंबर ऑफ नोड आपको 1 रिक्वायर्ड होंगे। उसी तरीके से मिनिमम नंबर ऑफ नोड आपके रिक्वायर्ड होंगे अगर आपको 1 हाइट का एबल ट्री क्रिएट करना है तो 2। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए ये आपका एक रिकरेंस रिलेशन है,
इस रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के लिए आपको दो कंडीशन पता होना चाहिए, दो स्टॉपिंग कंडीशन आपको पता होना चाहिए। तो दो स्टॉपिंग कंडीशन आपको यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि देखिए ये आपको पता है और आपको ये पता है, तो अब आपको ये रिकरेंस रिलेशन लगा करके आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ये पता है, आपको ये पता है, तो ये कैसे निकालेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 + 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू 4। ये कैसे निकालेंगे, ये देखिए ये आपका 4 + 2 + 1 यानी 4 + 2 + 1। उसी तरीके से अगर हम आपसे पूछें मिनिमम नंबर ऑफ नोड रिक्वायर्ड टू क्रिएट ए वेल ट्री ऑफ हाइट 4 इज इक्वल टू 7 + 4 + 1 विच इज इक्वल टू 7 + 1 = 8, 8 + 4 इज इक्वल टू 12, यानी आपके 12 नोड रिक्वायर्ड होंगे मिनिमम आपको अगर 4 हाइट का ए वेल ट्री क्रिएट करना हो। तो इस रिकरेंस रिलेशन का यूज़ करके आप यहाँ पर इस तरीके से मिनिमम नोड कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि रिक्वायर्ड होंगे इस एच हाइट के ए वेल ट्री को क्रिएट करने के लिए। या फिर देखिए इसको आप इस तरीके से भी सिमुलेट कर सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए फिबोनाची सीरीज भी अभी हमने बताया था, ये क्या है आपका सिमिलर टू फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची सीरीज की सिमिलरिटी तो है ये, इसको मैं लिख सकता हूँ एफ एच, इसको मैं लिख सकता हूँ एफ एच माइनस वन, इसको मैं लिख सकता हूँ एफ एच माइनस टू प्लस वन, क्योंकि ये सम ऑफ प्रीवियस टू टर्म है तो लगभग फिबोनाची सीरीज के सिमिलर है। तो ये एफ एच है, एफ एच माइनस वन, एफ एच माइनस टू और ये प्लस वन, जहाँ पर कि एफ जीरो हो जाएगा आपका वन और एफ वन आपका हो जाएगा टू। और फिर इस तरीके से आप यहाँ पर इस रिलेशन का यूज़ करके इसको कैलकुलेट फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, इस रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करेंगे, रिकरेंस रिलेशन क्या है हमारा, एफ एन इज इक्वल टू एफ एन माइनस वन प्लस एफ एन माइनस टू प्लस वन, वेयर एफ जीरो इज इक्वल टू वन, एफ जीरो इज इक्वल टू वन एंड एफ वन इज इक्वल टू टू, एफ वन इज इक्वल टू टू। और ये इस रिकरेंस रिलेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन है वो अप्रोक्सीमेट आपका आएगा 1.44 log 2n, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि हाइट ऑफ एफ एन नियरली इक्वल टू 1.44 log n, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसकी हाइट किस ऑर्डर की होगी, ये जो आपका एवियल ट्री जो हुआ है इसकी हाइट किस ऑर्डर की होगी, इसकी हाइट आपका लॉग एन ऑर्डर की होगी, इसीलिए हमने इसको क्या बोला है, हाइट बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री, क्योंकि इसकी हाइट जो है वो लॉग एन ऑर्डर की है। ये क्या है आपका हाइट ऑफ एफ एच, क्या है एफ एच है आपका, सॉरी एफ एन, यहाँ पर हमने क्या लिया, एफ एन लिया है, तो एफ एन आपका क्या है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि एफ एन इज द हाइट ऑफ ए वेल ट्री विद एन नोड, मैक्सिमम हाइट ऑफ ए वेल ट्री यूजिंग एन नोड, एफ एच इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम हाइट ऑफ ए वेल ट्री यूजिंग एन नोड। अगर आप एन नोड का यूज कर रहे हैं तो एफ एन क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम हाइट होगा जो एन नोड से आप एवियल ट्री के केस में अचीव कर सकते हैं। इसका मतलब जो हाइट का जो मैक्सिमम हाइट का जो ऑर्डर है वो आपका 1.44 log n होगा, मैक्सिमम हाइट अगर आप एन नोड को लेकर के एवियल ट्री क्रिएट कर रहे हैं तो आपकी हाइट जो है वो मैक्सिमम इतनी तक जा सकती है, क्योंकि एन नोड का यूज करके आपके एवियल ट्री की जो मैक्सिमम हाइट है वो इससे ज़्यादा नहीं जा सकती। तो ये आपको अपर बाउंड दे रहा है, यानी हाइट का जो मैक्सिमम है एन नोड के लिए वो केवल इतना हो सकता है, इसलिए हमने बोला है कि इसकी हाइट जो होगी वो लॉग एन ऑर्डर की होगी। तो आप ऐसा बोल सकते हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ एवियल ट्री विद एन नोड, मैक्सिमम हाइट ऑफ एवियल ट्री, मैक्सिमम हाइट ऑफ एवियल ट्री, मैक्सिमम हाइट ऑफ एवियल ट्री विद एन नोड इज इक्वल टू 1.44 log n। तो देखिए इसको आप किस तरीके से सिमुलेट कर सकते हैं, आप इसको इस तरीके से सिमुलेट कर सकते हैं कि मान लीजिए ये है आपका एफ एन, ये है मान लीजिए एफ एन, ठीक है ना,
तो देखिए इस साइड क्या आएगा आपका, तो अगर ये आपका एफ एन है तो इस साइड आएगा आपका एफ एन माइनस वन और इस साइड आएगा आपका एफ एन माइनस टू, ठीक है ना। अगर ये एफ एन है तो इस साइड आएगा एफ एन माइनस वन, इस साइड आएगा एफ एन माइनस, तो ये प्लस वन हम क्यों कर रहे हैं, प्लस वन कर रहे हैं इसके लिए, जैसे कि हमने आपको बताया था रिलेशन क्या था, एफ एन इज इक्वल टू एफ एन माइनस वन प्लस एफ एन माइनस टू प्लस वन। प्लस वन क्यों कर रहे हैं, प्लस वन इस नोड की वजह से हम यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, जैसे कि इसको देखिए ये आपका क्या है, ये आपका हो जाएगा एफ टू, ये देखिए ये एफ टू हो जाएगा, ये एफ वन हो जाएगा और ये पूरा क्या हो गया आपका, पूरा हो गया एफ थ्री, यानी एफ थ्री इज इक्वल टू एफ टू प्लस एफ वन प्लस वन, तो प्लस वन इसके लिए हमने लिया था। उसी चीज़ को हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर ये एफ एन है तो ये एफ एन माइनस वन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एफ एन माइनस टू, और प्लस वन जो हाइट इंक्रीज हुआ है वो आपका इस कॉमन एज की वजह से हुआ है, ये जो कॉमन एज जो आप देख रहे हैं इसकी वजह से आपका हाइट में प्लस वन हो जाएगा। मान लीजिए आपको कुछ ऑपरेशन करना है, दो टाइप के आपको ऑपरेशन करना है। फर्स्ट ऑपरेशन है आपका कि आपको मिनिमम एलिमेंट को डिलीट करना है इन लॉग एन टाइम, और सेकंड ऑपरेशन आपको करना है कि आपका जो इंसर्ट करना है, इंसर्ट वन एलिमेंट इन लॉग एन टाइम, यानी आपको मिनिमम एलिमेंट को डिलीट करना है लॉग एन टाइम में, मिनिमम एलिमेंट को डिलीट करना है लॉग एन टाइम में और एक एलिमेंट को इंसर्ट करना है लॉग एन टाइम में, और ये आपके दोनों गोल आपको अचीव होना चाहिए। तो इसके लिए आप कौन से डेटा स्ट्रक्चर को प्रिफर करेंगे, किस डेटा स्ट्रक्चर को आप यूज़ करेंगे अगर आपको ये दोनों गोल आपको अचीव करने हो। गोल वन क्या है, गोल वन है आपका कि मिनिमम एलिमेंट को आप ऑर्डर ऑफ एन टाइम में डिलीट कर लेना चाहिए और एक एलिमेंट को इंसर्ट करने के में आपका ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम लगना चाहिए, मिनिमम एलिमेंट को डिलीट करने में या फिर एक एलिमेंट को इंसर्ट करने में आपका टाइम लॉग एन का लगना चाहिए। ये आपके दोनों गोल अचीव हो पाएँ उसके लिए आपको कौन से डेटा स्ट्रक्चर का यहाँ पर यूज़ करना होगा, आपको कौन सा यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर को सेलेक्ट करना होगा। तो क्या हम इस केस के लिए एविल ट्री को ले सकते हैं, क्या हम एविल ट्री को ले सकते हैं, तो ज़रा चेक करते हैं। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि एविल ट्री में जो आपका हाइट होती है वो आपका अप्रोक्सीमेट 1.44 लॉग एन ऑर्डर की होती है। एविल ट्री में जो हाइट है वो अप्रोक्सीमेट 1.4, देखिए बी एस ट्री को आप यहाँ पर नहीं ले सकते हैं, बाइनरी सर्च ट्री को आप यहाँ पर यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री में अगर ट्री आपका स्क्यू है, ट्री अगर आपका स्क्यू है तो उस केस में एक एलिमेंट को इंसर्ट करने का टाइम ऑर्डर ऑफ एन हो जाता है। अगर बी एस ट्री आपका स्क्यू है तो उस केस में एक एलिमेंट को इंसर्ट करने का टाइम ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा, तो इसलिए बी एस ट्री को तो आप यहाँ पर यूज नहीं कर सकते हैं। क्या हम ए वी एल ट्री को यहाँ पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि ए वी एल ट्री आपका हाइट बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री होता है। तो देखिए ए वी एल ट्री में अगर आपको मिनिमम एलिमेंट को डिलीट करना है या आपको अगर एक एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो आप लॉग इन टाइम में कर सकते हैं ए वी एल ट्री में, लेकिन अगर मान लीजिए आपको एक एलिमेंट को इंसर्ट करना है ए वी एल ट्री में तो आप, चूँकि ए वी एल ट्री आपका हाइट बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री होता है इसलिए उसकी जो हाइट है, ए वी एल ट्री की जो हाइट है वो लॉग एन ऑर्डर की होती है, लॉग एन ऑर्डर की होती है ए वी एल ट्री की हाइट, तो आप एक एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं लॉग एन टाइम में और मिनिमम एलिमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं लॉग एन टाइम में, लेकिन डिलीट करने के बाद या इंसर्ट करने के बाद वहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपका वो जो ट्री जो है वो अनबैलेंस हो जाए, जैसे कि हम इससे पहले काफ़ी एग्जांपल ले चुके हैं जिसमें हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि ऐसा हो सकता है कि इंसर्ट करने के बाद या डिलीट करने के बाद आपका ए वी एल ट्री अनबैलेंस हो जाए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपने इंसर्ट कर दिया, अनबैलेंस हो गया, तो फिर उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि सभी नोड्स का बैलेंस फैक्टर को चेक करना पड़ेगा। अब अगर मान लीजिए आपके ट्री में एन नोड्स हैं तो बैलेंस फैक्टर चेक करने में आपका ऑर्डर ऑफ एन टाइम लग जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि आपका जो एविल ट्री है वो बेस्ट एविल ट्री सूटेबल नहीं है, इन दोनों गोल्स को मीट करने के लिए एविल ट्री आपका सूटेबल नहीं है। हालांकि हाइट तो उसका बैलेंस है, हाइट आपका लॉग एन ऑर्डर का है,
तो आप मिनिमम एलिमेंट को डिलीट कर देंगे, लेकिन फिर जब आप बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करने जाएंगे सभी नोड का, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मिनिमम एलिमेंट को डिलीट करने के बाद वो ट्री आपका बैलेंस ना हो, अनबैलेंस हो जाए, या इंसर्ट आप एलिमेंट कर सकते हैं लॉगिन में क्योंकि हाइट लॉगिन ऑर्डर का है, लेकिन ऐसा हो सकता है इंसर्ट करने के बाद वो ट्री आपका अनबैलेंस हो जाए। तो बैलेंस है या अनबैलेंस है इसको चेक करने के लिए आपको सभी नोड्स का बैलेंस फैक्टर निकालना होगा। अब बैलेंस फैक्टर आप अगर आपके एन नोड हैं तो आपका ऑर्डर ऑफ एन टाइम तो ऐसे ही लग गया उसमें बैलेंस फैक्टर को चेक करने में। तो इसलिए हम यहाँ पर एबेल ट्री वाले डेटा स्ट्रक्चर को प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि आपका बैलेंस फैक्टर को चेक करने में आपको ऑर्डर ऑफ एन टाइम यहाँ पर लग जाएगा। और मान लीजिए अगर आपका ट्री अनबैलेंस है तो फिर आपको कुछ रोटेशंस भी वहाँ पर लगाना होंगे, तो फिर जो आप रोटेशन करेंगे उसमें फिर आपको एक्स्ट्रा टाइम लगाना होगा। तो इसलिए आपका एबेल ट्री सूटेबल नहीं है, क्योंकि डिलीट हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, लेकिन वो बैलेंस है या अनबैलेंस है इसको चेक करने के लिए आपको ये एक्स्ट्रा ऑर्डर ऑफ एन टाइम और लगाना होगा, और फिर उसके बाद आपको रोटेशंस भी यहाँ पर परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो इसलिए एबेल ट्री आपका सूटेबल नहीं है इस केस में, क्योंकि एक एलिमेंट को आप एबेल ट्री में इंसर्ट तो कर देंगे लॉग इन टाइम में, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो अनबैलेंस हो जाए, तो फिर आपको सभी नोड्स पर जा करके उसको बैलेंस फैक्टर को चेक करना होगा, जो कि ऑर्डर ऑफ एन टाइम में होगा। इसलिए एबेल ट्री जो है आपका वो हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप किसी एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं तो फिर एबेल ट्री के केस में आपको सभी नोड्स का बैलेंस फैक्टर चेक करना होगा, जो कि ऑर्डर ऑफ एन टाइम आपको वहाँ पर ले लेगा। इसलिए एबेल ट्री आपका बेस्ट नहीं है। तो फिर किस डेटा स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे? हम यहाँ पर यूज़ करेंगे हीप डेटा स्ट्रक्चर को। हीप डेटा स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब ये हम आपको डा में डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में आपको जब ये हीप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तब हम आपको वहाँ पर ये बताएंगे कि अगर आपको मिनिमम एलिमेंट को डिलीट करना है तो फिर हम मिन हीप को लेंगे। मिन हीप में आप मिनिमम एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि मिन हीप में मिनिमम एलिमेंट रूट पर होगा। रूट से आप उसको डिलीट कर दीजिए एंड देन फिर हीपीफाई करने में आपको लॉग एन टाइम लगेगा, यानी मिनिमम एलिमेंट आपका डिलीट हो जाएगा लॉग एन टाइम में अगर आप हीप डेटा स्ट्रक्चर लेंगे। उसी तरीके से एक एलिमेंट को अगर आपको इंसर्ट करना है तो हीप डेटा स्ट्रक्चर में एक एलिमेंट को इंसर्ट आप लॉग एन टाइम में कर सकते हैं, क्योंकि जो हीप होता है वो हीप आपका ऑलमोस्ट कंप्लीटेड बाइनरी सर्च ट्री होता है। हीप आपका क्या होता है? हीप आपका होता है ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी सर्च ट्री। तो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी सर्च ट्री होता है। मान लीजिए आपका आपने जो इंसर्ट किया है वो आपका ये वाला नोड है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपने इंसर्ट कर दिया, उसके बाद में फिर आपको हीपीफाई लगाना होगा। तो हीपीफाई आपका क्या होगा? हीपीफाई करने में आपको लॉग इन टाइम लग जाएगा। तो ये भी आपको हो सकता है क्लियर ना हो रहा हो, लेकिन जब हम ये डिजाइन एंड एनालिसिस वाला जो सब्जेक्ट है उसको जब डिजाइन एंड एनालिसिस में जब आपको ये हीप सॉर्ट को पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको बताएंगे कि मिनी हीप क्या होता है, हीपीफाई क्या होता है, किस तरीके से हीपीफाई करते हैं और हीपीफाई करने में किस तरीके से लॉग इन टाइम लगता है। तो वहाँ पर आपको क्लियर होगा कि मेन हीप में अगर आपको मिनिमम एलिमेंट को डिलीट करना है तो आप लॉग इन टाइम में कर सकते हैं, क्योंकि मेन हीप में रूट पर आपको मिनिमम एलिमेंट होगा जिसको डिलीट करने के बाद आप हीपीफाई करेंगे तो लॉग इन टाइम में आपका ये काम हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आपको एक एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो इंसर्ट करने के बाद में ऐसा हो सकता है कि आपको हीपीफाई लगे, हीपीफाई लगा करने में आपको लॉग इन टाइम लग रहा है, तो एक एलिमेंट को इंसर्ट करने में भी आपका टाइम लॉग इन ही यहाँ पर लगेगा। तो ये पॉइंट आपको डा में क्लियर होंगे जब हम आपको हीप सॉर्ट बताएंगे, और वहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि ये दोनों ही ऑपरेशन हम लॉग इन टाइम में वहाँ पर इजीली कर सकते हैं। तो आप जो यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे वो हीप डेटा स्ट्रक्चर का यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन आपका ये होता है कि आपको सर्च करना है, आपको सर्चिंग करनी है, तो सर्चिंग करनी में आप किस डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं? आपको सर्च करना है लॉग इन टाइम में, तो आप फिर लॉग इन टाइम में सर्च करने के लिए कौन से डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे? तो देखिए बी एच ट्री का तो हम यूज़ करेंगे नहीं, बाइनरी सर्च ट्री का, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बी एच ट्री आपका स्क्यू है। अगर बी एच ट्री आपका स्क्यू है तो सर्च करने में ऑर्डर ऑफ एन टाइम भी आपको लग सकता है।
तो फिर उस केस में हम एवियल ट्री को प्रिफर करेंगे, क्योंकि एवियल ट्री की जो हाइट है वो लॉग एन ऑर्डर की होती है। तो एवियल ट्री में हम किसी भी एलिमेंट को लॉग एन टाइम में सर्च कर सकते हैं। आफ्टर ऑल एवियल ट्री इज ऑल्सो ए बाइनरी सर्च ट्री विच इज बैलेंस, चूंकि बैलेंस है तो ये हाइट लॉग एन ऑर्डर की होगी। तो अगर आपको किसी एलिमेंट को सर्च करना है लॉग एन टाइम में, तो फिर आप वहां पर इस एवियल ट्री का यूज कर सकते हैं, क्योंकि एवियल ट्री आपका बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री होता है। फिर हम वहाँ पर हीप का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हीप में अगर आप किसी एलिमेंट को सर्च करने जाएंगे तो हीप में किसी एलिमेंट को सर्च करने की देखिए मिनिमम या मैक्सिमम की बात नहीं कर रहे हैं। हीप में मान लीजिए आप कोई रैंडम एलिमेंट को सर्च करने जा रहे हैं, तो फिर आपको वहाँ पर ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगेगा, यानी हीप में किसी एलिमेंट को सर्च करने का टाइम ऑर्डर ऑफ एन होता है। तो फिर हम आपको देखिए जब हीप सॉर्ट बताएंगे तभी आपको ये क्लियर होगा कि किस तरीके से ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगेगा एक रैंडम एलिमेंट को अगर आप हीप में सर्च करने जाएंगे। लेकिन ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि एवियल ट्री में अगर एक एलिमेंट को आपको सर्च करना है तो लॉग एन टाइम में उसको आप कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बाइनरी सर्च ट्री होता है जो कि बैलेंस होता है। अब चूँकि बैलेंस है इसलिए आपका हाइट का ऑर्डर लॉग एन होगा। तो मान लीजिए आप इस वाले पाथ के अलोंग सर्च कर रहे हैं, तो हाइट अब चूँकि ये बैलेंस है तो आपका जो हाइट का ऑर्डर क्या वो क्या हो जाएगा, वो लॉग एन ऑर्डर का हो जाएगा। तो आपका टाइम जो है सर्च करने में लॉग एन लगेगा। तो अगर आपको एक एलिमेंट को सर्च करना है तो आप वहाँ पर अगर आपको एक एलिमेंट को लॉग एन टाइम में सर्च करना है तो फिर वहाँ उस केस में आप एवियल ट्री डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको एवियल ट्री हम क्रिएट कर रहे हैं और कीज जो हैं वो हम आपको बताते जा रहे हैं। मान लीजिए आपको फर्स्ट की है आपका 21, तो ये 21 के लिए नोड क्रिएट हो जाएगा। अब ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि एवियल ट्री में इंसर्जन और डिलीशन जो होगा वो ठीक उसी तरीके से होगा जिस तरीके से बाइनरी सर्च ट्री में होता है, यानी जिस तरीके से बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्जन डिलीशन होता है ठीक उसी तरीके से आपका एवियल ट्री में इंसर्जन और डिलीशन होगा। आपको बता दे रहे हैं, मान लीजिए आपका 21 है, 21 के बाद आपका 26 आता है तो 26 यहाँ पर आ जाएगा। फिर मान लीजिए अगर आपका 30 आता है तो 30 आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। अब जैसा कि आप यहाँ पर या आप हम यहाँ पर कीज लिख देते हैं, कीज हैं आप मान लीजिए आपका 21, 26, 39, 4, 14, 28, 18, 15, 10, 2, 3 and 7। तो देखिए 21 हमने इंसर्ट कर दिया, 26 कर दिया, 30 कर दिया। अब ये बैलेंस नहीं है, रोटेशन ले लिया, रोटेशन लेते ही ये बैलेंस हो जाएगा। तो ये आपका देखिए 21 इस साइड आ गया और 30 आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब नेक्स्ट की है आपका 9, 9 आपका यहाँ पर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट की है आपका 4, तो 4 जो है वो आपका यहाँ पर आएगा। फिर से देखिए अनबैलेंस हो गया, ये फिर से अनबैलेंस हो जाएगा। अब प्रॉब्लम कहाँ पर है ये देखिए, प्रॉब्लम आपका यहाँ पर है। कौन सी प्रॉब्लम है, एलएल प्रॉब्लम है। तो आप यहाँ पर इसको राइट रोटेट कर देंगे तो प्रॉब्लम आपका यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि देखिए इस डायरेक्शन में जाने पर सबसे पहले प्रॉब्लम आपको कहाँ पर मिला, प्रॉब्लम आपको इस वाले नोट पर मिल जाएगा, क्योंकि इसका बैलेंस फैक्टर हो जाएगा -2 और प्रॉब्लम का पाथ ये है यानी एलएल प्रॉब्लम है। तो राइट रोटेशन लगा करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 9 रूट में हो जाएगा, इसके राइट में 21 आ जाएगा, इसके लेफ्ट में 4 आ जाएगा। तो ये आपका सिचुएशन होगा। फिर मान लीजिए आपको 14 को इंसर्ट करना है तो 14 आपका यहाँ पर आप इसको इंसर्ट कर देंगे। अब फिर से आपके लिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, क्योंकि इसका बैलेंस फैक्टर तो 1 है लेकिन इसका बैलेंस फैक्टर आपका -2 हो चुका है। 26 का बैलेंस फैक्टर -2 हो गया है, तो फिर से प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का पाथ क्या है, या लेफ्ट सबट्री को क्रिएट करने में आपने हाइट किस तरीके से लिया है। तो लेफ्ट सबट्री में आपका हाइट ये रहा है, यानी प्रॉब्लम इस पाथ के लोग आपको मिलेगा। इस वाले ट्री का बैलेंस फैक्टर है 0, इस वाले का नोड का बैलेंस फैक्टर है आपका -1, इस वाले नोड का बैलेंस फैक्टर है आपका +1। और प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, एल आर, यानी आपकी एल आर प्रॉब्लम है। आपको 2 रोटेशन यहाँ पर लगाने होंगे। तो सबसे पहले हम लेफ्ट रोटेशन लगाने जा रहे हैं। तो देखिए लेफ्ट रोटेशन आप किस तरीके से लगाएंगे, तो 21 ऊपर आ जाएगा, 9 आपका नीचे आ जाएगा। तो देखिए 21 ऊपर आ गया, 9 आपका नीचे आ जाएगा, और ये लेफ्ट रोटेशन हमने लगाया, लेफ्ट साइड से इसको रोटेट कर दिया है। 9 और 21 को में लेफ्ट रोटेशन लगाया है, 9 21 में, तो ये 9 नीचे आ गया, 21 ऊपर चला गया और ये लेफ्ट रोटेशन लग चुका है।
नाइन के लेफ्ट में है फोर, 21 के, अब देखिए 9 नीचे आ गया है, 21 ऊपर आ गया है, तो 14 अटैच हो जाएगा 9 के साथ, तो 14 आपका 9 के साथ अटैच हो जाएगा। अब ये प्रॉब्लम जो पहले एल आर थी, अब एल एल बन जाएगा। अब आप इसको राइट रोटेट कर देंगे, तो राइट रोटेट कर देंगे तो देखिए ये 21 रूट हो जाएगा, लेफ्ट में है 9 4 14 और 21 के राइट में आ जाएगा 26, जिसके के राइट में 30, और जो कि अब ये जो ट्री जो है ये आपका बैलेंस हो। अब मान लीजिए आपको 28 को इंसर्ट करना है, तो 28 आपका जो इंसर्ट होगा वो यहाँ पर होगा। अब देखिए फिर से प्रॉब्लम आपको यहाँ पर आ जाएगा, प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाएगा इस वाले नोड पर। इस नोड का बैलेंस फैक्टर हो चुका है आपका 2, तो देखिए अब कौन सी प्रॉब्लम है, ये आपका आरएल प्रॉब्लम है, ये आपका आरएल प्रॉब्लम है। आरएल प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो आरएल प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने के लिए क्या कीजिए, देखिए ये 9 है, ये आपका 4 है, ये आपका 14 है। आपको आरएल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो सबसे पहले एक राइट रोटेशन लेंगे, तो राइट रोटेशन लेंगे तो 28 ऊपर आ जाएगा, 30 नीचे आ जाएगा, 28 ऊपर आ जाएगा, 30 नीचे आ जाएगा, यानी सिचुएशन कुछ ऐसा बनेगा 28 ऊपर आ गया 30 नीचे आ गया। फिर इसको आप लेफ्ट रोटेट कर देंगे तो 28 ऊपर आ जाएगा, इधर आ गया 26, इधर आ गया 30, तो हम डायरेक्टली इसको लिख दे रहे हैं। तो ऐसा होने पर आपका क्या हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, ये हो गया 26 और ये हो गया आपका 30, तो ये आपको मिल जाएगा। अब फिर मान लीजिए आपको 18 को ऐड करना है, तो 18 जो ऐड होगा वो इसके राइट में होगा। अभी देखिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही आप 15 को ऐड करेंगे, जैसे ही आप यहाँ पर 15 को ऐड करेंगे तो 15 इसके लेफ्ट में आ जाएगा। अब देखिए फिर ये प्रॉब्लम आपका क्रिएट कर दिया, तो प्रॉब्लम आपका इस वाले पाथ के अलोंग क्रिएट हुआ है, प्रॉब्लम आपके इस वाले पाथ के अलोंग क्रिएट हुआ है। सबसे पहले देखिए इसका बैलेंस फैक्टर 0 है, इसका बैलेंस फैक्टर है आपका -1, इसका बैलेंस फैक्टर हो जाएगा आपका प्लस, देखिए इसका बैलेंस फैक्टर हो जाएगा 2, हाइट ऑफ राइट माइनस हाइट ऑफ लेफ्ट, तो इसका बैलेंस फैक्टर हो जाएगा 2, यानी प्रॉब्लम का पाथ आपको मिल गया। प्रॉब्लम है आपका आर एल, तो इस आर एल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, ये मान लीजिए है आपका 18, ये है मान लीजिए आपका 15, आर एल प्रॉब्लम है। सबसे पहले राइट रोटेट करेंगे, राइट रोटेट करेंगे तो 15 ऊपर आ जाएगा और 18 नीचे आ जाएगा, फिर इसको लेफ्ट रोटेट करेंगे तो सिचुएशन बनेगा 15 ऊपर, 14 लेफ्ट में और 18 राइट में, तो इसको डायरेक्टली हम यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं इससे। तो देखिए इस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर रिपीट कर दे रहे हैं, देखिए 15 आ गया, 14 लेफ्ट में और राइट में 18, अभी भी देखिए आपका ये बैलेंस है। अब मान लीजिए आपने 10 को इंसर्ट किया, तो 10 इंसर्ट कहाँ पर होगा आपका, 10 इंसर्ट होगा आपका 14 के लेफ्ट में। फिर प्रॉब्लम आपको आ गया क्यों, देखिए इसकी हाइट देखिए 1 2 3 4 1 2, यानी इसका हाइट फैक्टर हो गया आपका -2, इसका देखिए बैलेंस फैक्टर हो गया इसका -2, इसका देखिए इसका हो जाएगा 1 2 3, इसका है 1, यानी इसका बैलेंस फैक्टर हो जाएगा आपका 2, इसका बैलेंस फैक्टर हो जाएगा आपका 2, इसका बैलेंस फैक्टर देखिए इस वाले नोड का, इसका बैलेंस फैक्टर हो जाएगा आपका -1 और इसका बैलेंस फैक्टर हो जाएगा आपका -1, इसका 0। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको प्रॉब्लम मिल रही है, फर्स्ट टाइम आपको प्रॉब्लम यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट हुई है। तो प्रॉब्लम का पाथ क्या है, प्रॉब्लम का पाथ आपका ये है, क्योंकि आपको फर्स्ट टाइम यहाँ पर प्रॉब्लम मिल रही है। कौन सी प्रॉब्लम है, ये है आपका आर एल प्रॉब्लम है। तो आर एल प्रॉब्लम को किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, तो आर एल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको एक राइट रोटेशन लेना होगा और फिर एक लेना होगा लेफ्ट रोटेशन। तो किस तरीके से लेंगे, तो देखिए ये आपका रूट हो जाएगा 21, राइट में हो गया 28, लेफ्ट में हो गया 26, इसके राइट में हो गया 30, इसके राइट में हो गया 30। अब देखिए पहले आपको क्या करना है, पहले आपको इस आर एल प्रॉब्लम है तो पहले आपको इसको राइट सॉल्व करना, राइट रोटेशन करना होगा। राइट रोटेशन करेंगे तो किस तरीके से ये हो जाएगा, देखिए जिसको रोटेशन करना है केवल उतना ही पार्ट हम ले रहे हैं, 9 15 14, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे यहाँ पर
इसको राइट रोटेट करेंगे, तो राइट रोटेट करेंगे तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि 14 ऊपर आ जाएगा 15 नीचे आ जाएगा, करेंगे तो 14 ऊपर आ जाएगा 15 नीचे आ जाएगा, तो 14 ऊपर आ गया, 14 ऊपर आ गया और 15 नीचे आ जाएगा। और देखिए ये 10 कहाँ पर जाएगा, तो देखिए 14 ऊपर गया है 15 नीचे आया है, तो 10 जो है वो 15 के साथ अटैच हो जाएगा, 10 जो है वो। अब देखिए 10 कहाँ पर है, 10 था आपका 14 के लेफ्ट में, तो 14 के लेफ्ट में आपका 10 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो आर एल प्रॉब्लम थी ये आपका कन्वर्ट हो चुकी है आर आर प्रॉब्लम में, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या कीजिए, इसको लेफ्ट रोटेट कर दीजिए। तो देखिए 14 रूट हो जाएगा, 14 रूट हो गया, इसके लेफ्ट में 9 आ गया एंड इसके राइट में क्या है आपका 15, और 15 के राइट में क्या है आपका 18, और ये चूंकि 9 नीचे आ गया है तो 10 जो है वो आपका 9 से अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आर एल प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये स्ट्रक्चर यहाँ पर मिल जाएगा। अब ये किससे अटैच था आपका, इस वाले नोड से अटैच था, तो बस इस वाले स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, तो रोटेट होने के बाद में ये बैलेंस होके आपको कुछ इस टाइप से मिल जाएगा। अब मान लीजिए आपको 2 को इंसर्ट करना है, तो 2 आपका कहाँ पर इंसर्ट होगा, 2 आपका यहाँ पर इंसर्ट होगा। प्रॉब्लम आ गया, अब प्रॉब्लम कहाँ पर है आपका, अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम है, कौन सी प्रॉब्लम है, एल एल प्रॉब्लम है, ठीक है ना। यहाँ पर नहीं है प्रॉब्लम, क्योंकि देखिए इसका 1 है इसका 2 है, यानी ये हो जाएगा -1। इसका प्रॉब्लम भी नहीं है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यानी -1। प्रॉब्लम यहाँ पर है 1 2 1 2 3 4, यानी प्रॉब्लम यहाँ पर है, ये -2 हो जाने की वजह से एल एल प्रॉब्लम है। कैसे सॉल्व करेंगे, राइट रोटेट कर दीजिए, तो 14 आपका रूट पर हो जाएगा और 21 इसके राइट में आ जाएगा, और देखिए ये 28 26 एंड 30 ये आपका एज इट इज रहेगा, और 14 के लेफ्ट में क्या है आपका 9, 9 के लेफ्ट में है 4, और 4 के लेफ्ट में है आपका 2, एंड 9 के राइट में है आपका 10। अब देखिए ये 15 को देखते हैं, 15 आपका कहाँ पर जाएगा, 15 अटैच हो जाएगा आपका 21 से, तो देखिए ये 15 आपका यहाँ पर अटैच हो गया है, और 15 के राइट में क्या है आपका 18, तो यहाँ पर आपका 18 आ जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा। अब मान लीजिए आपको 3 इंसर्ट करना है, तो 3 आपका कहाँ पर आएगा, 3 आपका यहाँ पर आ जाएगा। फिर से प्रॉब्लम आपका अराइज हो गया है, कौन सी प्रॉब्लम आया आपका, देखिए एल आर प्रॉब्लम आपको आ जाएगा, क्योंकि इस नोड का बैलेंस फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, -2, तो एल आर प्रॉब्लम है। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले लेफ्ट रोटेशन कीजिए, 3 ऊपर आ जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, तो सिचुएशन बनेगा 4 3 2, एंड फिर इसको राइट रोटेट कर देंगे तो आपका ये हो जाएगा 3 2 4। तो इस स्ट्रक्चर को हम डायरेक्टली यहाँ पर ऐड कर दे रहे हैं, एल आर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा। अब लास्ट एलिमेंट है 7, 7 को अगर आप इंसर्ट करेंगे तो 7 कहाँ पर इंसर्ट होगा, 7 आपका यहाँ पर होगा, फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। प्रॉब्लम किस नोड पर होगी, इस वाले नोड पर होगी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 है और यहाँ पर आपका 2 है, यानी ये आपका यहाँ पर 3 है, तो ये आपका -2 हो गया, ये क्या होगा, ये 1 होगा, ये क्या होगा, ये भी 1 होगा, ये 0, ये 0, यानी प्रॉब्लम का पाथ क्या होगा, प्रॉब्लम का पाथ ये होगा, यानी कौन सी प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम आ गई आपका एल आर प्रॉब्लम आ जाएगी, यानी जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका प्रॉब्लम का पाथ हो जाएगा, ये कौन सी प्रॉब्लम है आपका, एल आर प्रॉब्लम है। तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो एल आर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देखिए इस पार्ट को हम अलग से लिख लेते हैं 9। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट रोटेशन करेंगे, तो लेफ्ट रोटेशन करेंगे तो ये 4 ऊपर आ जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, तो देखिए 4 ऊपर आ गया और 3 नीचे आ जाएगा, तो सिचुएशन कुछ आपका इस टाइप से बन जाएगा, यानी प्रॉब्लम बन गया एल एल। अब इसको राइट रोटेट कर देंगे, तो जैसे ही आप इसको राइट रोटेट करेंगे तो ये बन जाएगा 4, 4 के राइट में 9 आ जाएगा, 9 के राइट में 10 है, एंड 4 के लेफ्ट में क्या है आपका 3, 3 के लेफ्ट में है आपका 2, 7 कहाँ पर जाएगा, देखिए 9 नीचे आ चुका है तो 7 9 से अटैच हो जाए, ठीक है ना। तो ये जो प्रॉब्लम जहाँ पर आ रही थी इसको आप सॉल्व करेंगे इस वाले पार्ट को, तो आपको ये मिल जाएगा। इसको हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, ये हो गया 14, 21, 28,
18 एंड ये राइट हैंड साइड में आपका ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपका ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो अगर इन कीज को आप इंसर्ट करेंगे तो आपका फाइनल आंसर ये हो जाएगा। तो ये फाइनली आपको जो एवल ट्री मिलेगा वो ये मिल जाएगा। अब मान लीजिए कि आपको क्या करना है, यहाँ पर एलिमेंट्स को डिलीट करना है। किस तरीके से डिलीट करना है कि पहले मान लीजिए हम 2 को डिलीट कर रहे हैं, फिर 3 को कर रहे हैं, फिर 10 को कर रहे हैं, फिर 18 को कर रहे हैं, 4, फिर 9, फिर 14, फिर 7 एंड लेट से सबसे लास्ट में हम 15 को डिलीट कर रहे हैं। तो अगर इसको डिलीट कर रहे हैं तो डिलीट करने के बाद आपको क्या इवेल ट्री यहाँ पर मिलेगा। सबसे पहले हमने 2 को डिलीट किया, तो देखिए आपने 2 को डिलीट कर दिया। तो 2 को डिलीट करने पर यहाँ पर देखिए कोई असर फर्क पड़ेगा? देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी आपका ये बैलेंस है। फिर आपने क्या किया, 3 को डिलीट कर दिया। तो 3 को डिलीट करते ही देखिए अब यहाँ पर आपका फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि देखिए ये प्रॉब्लम करने लग जाएगा। ये हाइट है 2, इसकी हाइट हो जाएगा 0, यानी इसका बैलेंस फैक्टर हो जाएगा 2। ये आपका प्रॉब्लम करने लगा। अब यहाँ पर फिर से 2 प्रॉब्लम है, आप ऐसा बोल सकते हैं आर एल प्रॉब्लम है और आर आर प्रॉब्लम है। आर आर प्रॉब्लम भी है, आर एल प्रॉब्लम भी है। किसको सॉल्व करेंगे हम? आर आर को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आर आर के केस में हमारा रोटेशन यहाँ पर कम लगेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से रोटेट कर देंगे। लेफ्ट साइड से रोटेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 के लेफ्ट में क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, और 9 के राइट में क्या है आपका 10 है। नहीं 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 अपने लेफ्ट इसको रोटेट कर दिया, आर आर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने इसको लेफ्ट रोटेट कर दिया, तो 4 इसके लेफ्ट रोटेट कर दिया तो 4 नीचे आ जाएगा। अब चूंकि 4 नीचे आया है तो 7 अटैच हो जाएगा आपका 4 से, तो 7 आपका अटैच हो जाएगा और आपका ये सिचुएशन बन जाएगा। तो ये नोड आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो ऐड होने के बाद हम इसको डायरेक्टली लिख देते हैं, सिचुएशन कुछ ये बन जाएगा 2 और 3 को डिलीट करने के बाद। अब मान लीजिए आपने 10 को भी डिलीट कर दिया, तो 10 को आपने डिलीट कर दिया, तो 10 को डिलीट करते ही फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। कौन सी प्रॉब्लम आ जाएगा आपका, ये एल आर प्रॉब्लम आ जाएगा। एल आर के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले एल आर को सॉल्व करेंगे, यानी आपको लेफ्ट रोटेशन करना है। लेफ्ट रोटेशन करेंगे यानी लेफ्ट रोटेशन करेंगे तो 7 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा और ये 9 आपका ऊपर रहेगा। और फिर इसको जैसे ही आप राइट रोटेट करेंगे, एल एल प्रॉब्लम बन जाएगा, राइट रोटेट करेंगे तो ये 7, 4, 9 इस टाइप से हो जाएगा। तो ये चीज़ अब आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो इसको हम ऐड कर देते हैं। अब मान लीजिए आपको 18 डिलीट करना है, तो आपने 18 को डिलीट कर दिया, अब 18 को डिलीट करने से यहाँ पर फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। क्यों प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं 18 को डिलीट करने से यहाँ पर क्या कोई प्रॉब्लम आएगा? नहीं, 18 को डिलीट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाइट 2 है और इसकी हाइट है 1, 2, 3। इसी तरीके से 21 के लिए देखिए, हाइट है 2, हाइट है 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 को डिलीट करना है, 4 को डिलीट कर दिया, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 को डिलीट करना है, 9 को डिलीट कर दिया, अब प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि इधर हाइट 1 रह गया और इधर हाइट है 1, 2, 3, यानी इसका बैलेंस फैक्टर 2 हो गया। इसका बैलेंस फैक्टर 2 हो गया तो आपका यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगा। कौन सी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम को पाथ देखिए, प्रॉब्लम का पाथ क्या है, इस वाले पाथ को प्रॉब्लम फॉलो कर रहा है। ये देखिए ये वाले पाथ को प्रॉब्लम फॉलो कर रहा है, क्योंकि हाइट आपको मैक्सिमम कब मिलेगा, जब या तो आप ये लें या फिर आप ये लें। तो कौन सा प्रॉब्लम है, ये आर आर प्रॉब्लम है। कैसे सॉल्व करेंगे, लेफ्ट रोटेशन लगाएंगे, तो लेफ्ट रोटेशन लगाते ही 21 आपका सबसे ऊपर हो जाएगा, 14 इसके लेफ्ट में आ जाएगा, 28 इसके राइट में आ जाएगा एंड 26 एंड 30 ये आपका एज इट इज पहले जैसा रहेगा। 14 के लेफ्ट में था 7, तो 14 के लेफ्ट में 7 आ जाएगा। ये 15 चूंकि देखिए 14 नीचे आया है तो 15 इससे अटैच हो जाएगा। तो ये सिचुएशन आपका बन जाएगा 9 को डिलीट करने के बाद। अब फिर आपको 14 को डिलीट करना है, तो 14 को डिलीट आप अगर आप यहाँ से कर दिए तो फिर आपके पास 2 केस हैं। अगर आपको 14 को डिलीट करना है तो या तो 7 को ऊपर ले जाइए या 15 को ऊपर ले जाइए, किसी भी एक को आप ऊपर ले सकते हैं। मान लीजिए हम 15 को ऊपर ले जाते हैं, तो अगर आप 14 को डिलीट कर देंगे तो मान लीजिए 15 को आप ऊपर ले गए तो सिचुएशन आपका कुछ ऐसा हो जाएगा। फिर आपको 7 को डिलीट करना है,
तो अगर आपने ये 7 को डिलीट कर दिया तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। तो 7 को डिलीट कर दिया तो कोई प्रॉब्लम आएगा? नहीं आएगा। हाइट आपका 2 है, इधर हाइट आपका 1 है, यानी आपका ये बैलेंस है, अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। लेकिन फिर अगर आपने 15 को भी डिलीट कर दिया, अब प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि इधर हाइट है 2, इधर हाइट है 0, यानी 2 - 0 यानी बैलेंस फैक्टर क्या हो गया आपका? 2 हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? आप ऐसा बोल सकते हैं कि या तो ये वाला पाथ ले लीजिए प्रॉब्लम के लिए, या ये वाला पाथ ले लीजिए, क्योंकि हाइट आपको 2 मिल रहा है, इधर से हाइट आपको 0 मिल रहा है, तो 2 - 0 आपका 2 हुआ था, तो 2 हाइट ऐसे भी मिल सकता है, ऐसे भी मिल सकता है, यानी RR प्रॉब्लम भी है, RL प्रॉब्लम भी है। तो कौन से सॉल्व करेंगे हम? RR सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक रोटेशन लगेगा, लेफ्ट रोटेशन लगा दीजिए। तो देखिए 28 आपका रूट पर हो गया, 28 रूट पर हो गया, 21 इसके लेफ्ट में आ जाएगा, क्योंकि आपने लेफ्ट रोटेशन किया है, लेफ्ट रोटेशन किया है, तो देखिए 21 इसके लेफ्ट में आ जाएगा, और 30 इसके राइट में था। 26 किससे अटैच हो जाएगा? 21 से, क्योंकि 21 आपका नीचे आ रहा है, तो ये 21 से अटैच हो जाएगा। तो देखिए 26 21 से अटैच हो जाएगा, यानी फाइनल आंसर आपका ये हो जाएगा। ये आपको एवेल ट्री मिलेगा अगर आप कीज़ को इस तरीके से डिलीट करते हैं। तो आपने क्या देखा कि डिलीशन आपका किस तरीके से हो रहा है? जिस तरीके से बाइनरी सर्च ट्री में होता था। हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि बाइनरी सर्च ट्री में आपका जो डिलीशन है उसके 2 केस 3 केस होते थे। लीफ नोड, नोड विद ओनली 1 चाइल्ड, नोड विद हैविंग 2 चाइल्ड। तो ये तीनों केसेस में डिलीशन हम आपको बता चुके हैं। तो ठीक उसी तरीके से आप यहाँ पर भी डिलीशन करेंगे, क्योंकि ये आपका जो क्या होता है, आपका एविल ट्री आपका एक बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री होता है। तो आपका फाइनल आंसर ये हो जाएगा।